Good evening everyone, welcome to Dronacharya IAS. Today we will summarize the Himachal Pradesh budget 2021 to 2022. तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने अपना फोर्थ बजट प्रेजेंट किया है। तो पिछले कुछ टाइम से हम जो COVID-19 की पैंडेमिक देख रहे हैं, जिसके वजह से पूरी दुनिया में ही एक आर्थिक नुकसान भी हुआ है और ऐसे ही हमारे देश में उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा लॉकडाउन के कारण, तो हिमाचल प्रदेश की इकॉनमी थी उसमें भी हमने एक एस्टिमेट जो था वो निकाला कि जिसमें हमने -6.2% का नेगेटिव ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला। सो इस बार जो एक्सपेक्टेशन है या जो हमने जो एक्सपेक्ट किया है कि हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रहेगा स्टेट का वो कितना रहेगा, दैट इज 1,56,522 करोड़ रुपीज़ का। तो पर कैपिटा इनकम का भी हमने इसमें एस्टिमेट निकाला है, तो पर कैपिटा इनकम का यानी प्रति व्यक्ति जो आय होती है उसका एस्टिमेट निकाल करके वो निकला है 1,83,286 रुपीज़। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने अभी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका नाम चेंज किया है, जैसे कि पहले प्लानिंग डिपार्टमेंट के नाम से जाना जाता था, ठीक है, अभी इस डिपार्टमेंट को इसका रीनेम करके इसको नीति डिपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। जैसे यूनियन गवर्नमेंट ने 2014 में, ठीक है, जो हमारा प्लानिंग कमीशन था उसको चेंज करके डायरेक्टली नीति आयोग के नाम से कर दिया था, ठीक है, बेसिकली। तो वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट ने प्लानिंग डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके क्या रख दिया है, नीति डिपार्टमेंट। तो जो इस बार हमारी 15th फाइनेंस कमीशन भी थी, तो 15th फाइनेंस कमीशन ने काफ़ी रिकमेंडेशंस दी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, तो स्टेट गवर्नमेंट को किस तरह की हमें मॉनिटरी बेनिफिट्स दिए जाने चाहिए, कहाँ उन्हें ग्रांट्स देनी है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, जैसे मनरेगा हो गया उसके लिए, है ना, या अर्बन लोकल बॉडीज हैं उसके लिए कितनी ग्रांट्स मिलनी चाहिए उनकी डेवलपमेंट के लिए, तो ये 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में इन्होंने बताया हुआ है। तो ऐसे यूनियन गवर्नमेंट ने 450 करोड़ रुपीज़ का इंटरेस्ट फ्री लोन 2 इंस्टॉलमेंट्स के लिए दिया है 50 साल के पीरियड के लिए हिमाचल प्रदेश को। तो हिमाचल प्रदेश के बजट में इस बार बहुत सारी नई चीज़ें भी आई हैं, उसी में से अगर सबसे पहले हम देखें तो डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया गया है, तो डिजिटलाइजेशन की प्रमोशन में उसमें हमारे पास अगर आप देखें कि पिछले कुछ टाइम से जो पेंडेमिक आई थी COVID-19 की, तो जो पूरा लॉकडाउन लग गया था उस लॉकडाउन की वजह से कॉलेजेस बंद हो गए थे, स्कूल्स बंद हो गए थे, ठीक है, ऑफिसेस बंद करने पड़े, तो इस टाइम पे हमारा जो ई सर्विस नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छे से काम चला और लोगों ने घर बैठे ही अपना काम करना स्टार्ट कर दिया और इससे काम चलता रहा। तो ऐसी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि जो डिजिटलाइजेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए ताकि लोगों की जो शहरों में या किसी ऑफिस जाने के लिए जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट भी कम पड़ जाए। अगर लोगों के कहीं ना कहीं पैसे बचेंगे तो कहीं ना कहीं वो उनकी डेवलपमेंट में ही हेल्प करेंगे। तो ऐसे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने सबसे पहले शिमला और धर्मशाला में, ठीक है, इन दो सिटीज़ के लिए एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने जा रही है, जो कि एस्टेब्लिश किया जाएगा स्टेट सेक्रेटेरिएट में। जो शहर में जो गतिविधियाँ होती हैं, चाहे वो ट्रैफिक के लिए हो, क्राइम के लिए हो, या फिर वो वेस्ट डिस्पोजल, तो इसके लिए एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया जाएगा जिसको डायरेक्टली कंट्रोल किया जा सकता है सेक्रेटेरिएट से, उसको मॉनिटर भी किया जा सकता है। तो ऐसे जो दूसरी स्कीम हमारे पास आती है, दैट इज़ दी स्वर्ण जयंती संपर्क संकल्प। अगर आप देखें तो हर जगह आप जो भी मैं स्कीम आपको आगे बताऊंगा उसमें कहीं ना कहीं दो शब्द जुड़े होंगे, एक तो स्वर्ण, दूसरा जयंती। तो स्वर्ण जयंती मतलब हमारे पास जो गोल्डन जुबली है, तो गोल्डन जुबली किसकी हुई है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश को स्टेट गुड का दर्जा मिले हुए 50 साल हो गए हैं, तो उसकी जो गोल्डन जुबली है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में सभी डिस्ट्रिक्ट में सभी ब्लॉक लेवल पे पूरे साल में अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू मनाई जाएगी। तो अब कुछ स्कीम जो नई लाए हैं या कुछ पुरानी स्कीम्स हैं उनके नाम के आगे स्वर्ण जयंती के नाम से उनको जाना जा रहा है, ठीक है। तो ये जो स्वर्ण जयंती संपर्क संकल्प है इसमें जो पंचायती राज बॉडीज़ हैं, ठीक है, और म्यूनिसिपल बॉडीज़ हैं, इनको डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू,
ठीक है, एक फेज्ड मैनर में इनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, ताकि यहाँ पर कोई मान लो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इन्होंने कोई बात करनी है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स ने, ठीक है, या फिर इन्होंने किसी और ऑफिस में बात करनी है, स्टेट लेवल पे किसी डिपार्टमेंट से बात करनी है डेवलपमेंट के या पॉलिसी इनिशिएटिव्स के लिए, तो वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। सो नेक्स्ट आता है, एचपी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल रेगुलेटरी कमीशन विल लॉन्च अ आईटी बेस्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। तो जो हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, रेगुलेटरी कमीशन इसके लिए, तो उसमें एक आईटी बेस्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो लाया जाएगा। तो ऐसे हिमाचल प्रदेश में एक इंटीग्रेटेड बेनिफिशियरी डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। ये सिस्टम इसलिए डेवलप किया जा रहा है क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर वो स्टेट गवर्नमेंट्स की हो, जिनको इम्प्लीमेंट करना होता है। अब ये जो स्कीम है ये किसी ना किसी स्पेशल पर्पसेस के लिए बनती है, ठीक है, कहीं कुछ लोग बीपीएल के लोगों के लिए बनती है, कहीं पे कोई एपीएल के लोगों के लिए बनती है, या कई लोग आईआरडीपी के लोगों के लिए बनाई जाती है, कई बार सभी लोगों के लिए बनाई जाती है। तो ये लोग क्या है, ये बेनिफिशरीज होते हैं अलग अलग। अब हमेशा जो है हमें बेनिफिशरीज को ढूंढने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि एक इंटीग्रेटेड बेनिफिशरी डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा, जिसके थ्रू जो एक्चुअल बेनिफिशरीज हैं उन तक उन स्कीमों को पहुंचाया जाए, ताकि उनका उनको बेनिफिट मिल सके। तो ई सर्विसेज जो हमारे पास हैं उसके लिए हम 80 सर्विसेज सेंटर बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन पोर्टल जो है वो अवेलेबल थ्रू करवाया जाएगा लोक मित्र केंद्रास के थ्रू, ठीक है, जो कि हमारे विलेज लेवल पे बनाए जा सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे यूनिट्स पे बनाए जा सकते हैं। किसी लोगों ने बिजली का बिल देना है, किसी ने इंटरनेट का बिल देना है, किसी ने कहीं और फैसिलिटीज़ के लिए कोई फॉर्म भरना है, तो वहाँ पे लोक मित्र केंद्र में वो जा करके डायरेक्टली जा सकते हैं। तो ऐसी जो अभी बजट आया है उस बजट में अगर आप बजट देखें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने इस बार जो बजट है वो पेश किया है, दैट इज 50,192 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है, इतना का बजट जो है वो इन्होंने प्रेजेंट किया है। और याद रखना ये उनका फोर्थ बजट था। अब इसी के साथ में अगर आप अनाउंसमेंट्स में कुछ सजेशन देखें एमएलएस की तरफ से, तो एमएलएस के लिए जो नाबार्ड के थ्रू, ठीक है, पहले 120 करोड़ रुपीज़ दिए जाते थे, अब उसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जनरली जो है उसको बढ़ा करके 135 करोड़ रुपीज़ कर दिया गया है। अब एमएलएस जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ 50,000 फॉर दी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है, या इसके एडिशन में जैसे महिला मंडल्स बनाए जाते हैं, युवक मंडल है, तो वहाँ पर भी कुछ पैसे जो हैं वो दिए जाते हैं लोकल लेवल पे डेवलपमेंट के लिए। फिर हमारा नेक्स्ट जो सेक्टर है दैट इज़ द एग्रीकल्चर और इरिगेशन सेक्टर। अब एग्रीकल्चर जैसा कि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश का एक प्राइमरी सेक्टर है, और हिमाचल प्रदेश की मैक्सिमम 60-65% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर से ही आती है हमारे पास, ठीक है। और अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश में एक प्रोजेक्ट चला है जापानीज गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको जाइका नाम दिया गया है, जो पहले जो है वो 5 डिस्ट्रिक्ट में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया गया था। बेसिकली जो हमारे पास फॉरेस्ट, ठीक है, इकोसिस्टम है उसको डेवलप करने के लिए जाइका प्रोजेक्ट, तो इसका जो फर्स्ट फेज है वो कंप्लीट हो चुका है, और सेकेंड फेज के लिए यहाँ पर इसको जो है वो पूरी 12 डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। याद रखना जाइका प्रोजेक्ट कौन कर रहा है, जापानीज गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम को लेकर के। पहले ये 5 डिस्ट्रिक्ट में था, लेकिन अब ये 12 डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा जाएगा। उसके बाद एक और स्कीम है दैट इज दी सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग सिस्टम। जैसा कि आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट भी ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ को बढ़ रही है, और ये कोशिश की जा रही है कि हमारे हिमाचल प्रदेश में भी अब जो खेती हो वो ऑर्गेनिक खेती हो। तो इसके लिए एक स्कीम है दैट इज दी प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान स्कीम, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो और अदर स्कीम्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करके कोशिश की जाएगी ऑर्गेनिक फार्मिंग को इम्प्लीमेंट करने की। और यहाँ पर जो यहाँ से जो प्रोडक्शन होगी, जो प्रोड्यूस निकलेगा ऑर्गेनिक प्रोड्यूस, उसको फाइनली उसके लिए एक मार्केट एस्टेब्लिश की जाएगी, जिस मार्केट में
जो किसान ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कर रहे हैं या ऑर्गेनिक प्रोड्यूस लगा रहे हैं उनको सर्टिफाई किया जाएगा, और सर्टिफाई करने के बाद उन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग की जाएगी ताकि मार्केट में उनकी डिमांड काफ़ी बढ़े और एक फार्मर्स को एक नई तरह का, एक जो हमारे पास सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसको भी प्रमोशन मिले और फार्मर्स की जो इनकम है वो भी धीरे धीरे बढ़ती जाए। ठीक है, तो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड की एस्टेब्लिश किया जाएगा हिमाचल प्रदेश की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि पालमपुर में है, और दूसरी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि नौणी सोलन में। ठीक है, तो दोनों को एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसके लिए 5 करोड़ रुपीस का प्रावधान जो है वो रखा गया है सरकार की तरफ से। तो गवर्नमेंट स्वर्ण जयंती परंपरागत सुरक्षा संवर्धन योजना स्टार्ट कर रही है कंजर्व और प्रोपेगेट करने के लिए जो ट्रेडिशनल सीड्स होते हैं। अब आप हमारी स्टेट में देखें, हिमाचल प्रदेश में कई तरह की पल्सेस होती हैं, अलग अलग तरह के, अलग अलग तरह के राजमा लगाए जाते हैं। लाहौल स्पीति में अलग मिलते हैं, कुल्लू में अलग मिलते हैं, शिमला के ऊपरी क्षेत्रों में आपको अलग मिलेंगे, है ना। तो इन सब का जो लोकल लेवल पे जो बीज होंगे उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा और ताकि उनको बढ़ावा मिलता रहे आगे से आगे। और ऑफ सीजन वेजिटेबल्स हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो है उनको भी बचाया जाएगा। और आगे आने वाले समय में जो डिमांड हम देखते हैं मार्केट में, मान लो कोई सब्जी जो है वो पंजाब में किसी एक सीज़न में लगती है, जब वो सीज़न गया तो वहाँ से वो सब्जी भी नहीं आएगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश उस टाइम पे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की क्लाइमेट कंडीशन कुछ इस तरह की है कि वो क्या कर सकता है, वो उस ऑफ सीजन में भी वेजिटेबल्स को प्रोवाइड कर सकता है। तो ये हमारे लिए एक अल्टरनेटिव हो सकता है एग्रीकल्चर में। तो फिर हॉर्टिकल्चर आता है, तो हॉर्टिकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है हिमाचल प्रदेश का, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अगर हॉर्टिकल्चर सेक्टर को हम देखते हैं तो इसमें बेसिकली हमारे काफ़ी बागवान हैं जो कि बहुत बड़े स्केल के ऊपर हॉर्टिकल्चर करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के थ्रू जो है वो 1000 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है, फंड जो है वो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लग रहा है। और इसके लिए इस प्रोजेक्ट में जो 5 लाख रूट स्टॉक्स जो हैं वो इम्पोर्ट किए जाएंगे बाहर के देशों में, जो अलग अलग अच्छी क्वालिटीज़ की जो पौधे हैं, ठीक है, सैपलिंग्स हैं वो मंगवाए जाएंगे जैसे अमेरिका हो गया या जो यूरोप है उन देशों से। और ये कोशिश की जा रही है कि 1000 हेक्टेयर्स को जो कमांड एरिया के तौर पे वहाँ पर माइनर इरिगेशन फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड किया जाएगा। माइनर इरिगेशन फैसिलिटीज जैसे कि स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है, तो उस तरह की, जिससे जो पानी है उसको भी बचाया जा सके। और एक जीन रिपोजिटरी बनाई जाएगी जिसमें कि बेसिकली हम जो पुराने जो हमारे पास जो हॉर्टिकल्चर में जो प्लांट्स हैं उनकी जीन्स को कंजर्व किया जा सके। तो कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी को बढ़ाएंगे, ठीक है, या पैक हाउसेस जड़ोल में बनाएंगे, टिक्कर, रोहड़ू, उड़ी, ठीक है, पतली कूहल, तत्ता पानी, यहाँ पर यानी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में जो हमारे पास बैकवर्ड लिंकेजेस होती हैं या फॉरवर्ड लिंकेजेस होती हैं, तो उसकी भी डेवलपमेंट के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ध्यान जो है वो दिया जा रहा है। ऐसे ही एक एप्पल जूस कंसंट्रेट प्लांट बनाया जाएगा जो कि ऑब्वियसली हमारे पास एस्टेब्लिश किया जाएगा पराला शिमला में। तो अगर आप देखें कि ऐसी जो हमारे स्टेट में जो बी कीपिंग एक्टिविटीज़ भी किसान करते हैं, तो उसके लिए स्टेट लेवल पे स्टेट बी बोर्ड भी बनाया जाएगा ताकि यहाँ पर जो ये बी कीपिंग एक्टिविटीज़ हैं ये अच्छे से, ताकि उन किसानों को और ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट दिए जाएँ, उनके लिए पॉलिसी कोई अच्छी सी बनाई जा सके ताकि यहाँ पर भी उनके लिए एक अल्टरनेटिव इनकम इनकम का सोर्स जो है वो डेवलप हो सके। तो ऐसे ग्रीन हाउसेज जो है वो भी डेवलप किए जाएंगे अलग अलग एरिया में। तो जैसे पुष्प क्रांति योजना है तो वो फ्लोरिकल्चर को बूस्ट करने के लिए बनाई गई है। उसके बाद आता है एनिमल हस्बेंड्री एंड द कॉ प्रोडक्शन। तो हिमाचल प्रदेश में गौ सेंचुरीज बनाई जा रही हैं, गौशाला गया गौ सदन जो हैं उन वो भी बनाए जा रहे हैं। ये दोनों में है, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी हैं, प्राइवेट सेक्टर्स में भी काम कर रहे हैं। तो ऐसी सीप ब्रीडिंग सेंटर्स हैं जो कि ताल में है और ज्यूरी में है, और को ब्रीडिंग सेंटर जो कि पालमपुर और बगथान में, उसको डेवलप किया जाएगा फॉर्डर प्रोडक्शन सेंटर्स के तौर पर भी। अगर आप इसके साथ में देखें तो हिमाचल प्रदेश में हमारे पास, ठीक है, फिशरीज़ के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल को हार्नेस करने के लिए, ठीक है, या इस पोटेंशियल को ज़्यादा यूटिलाइज करने के लिए, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आप देखें हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, अलग अलग जगह हमारे पास डैम है,
जब वो डैम बनते हैं तो उसके लिए वो रिजर्वायर्स बनती हैं, वो रिजर्वायर्स हमारे लिए भी सीरिया है एक तरह का सोर्स हो सकती है जहाँ पे हम फिश प्रोडक्शन को या फिशरीज प्रोडक्शन को बढ़ावा दे सकते हैं। तो जो मॉडर्न फिश फार्म मार्केट है उसको डेवलप किया जा सकता है, अलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए बनाए जाने की ज़रूरत है, जो फिशरमैन है उसको ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है। तो इसके लिए जो गोविंद सागर लेक है या पोंग रिजर्वायर है, ठीक है, गोविंद सागर लेक दैट इज़ बिलासपुर, ये बिलासपुर में है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है ये हिमाचल प्रदेश की पोंग रिजर्वायर, जो कि एक वेटलैंड भी है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक तरह से जो मॉडर्न फिश मार्केट्स हैं यहाँ पे डेवलप की जाएंगी। सो एक वन ऑर्नामेंटल फिश यूनिट भी बनाई जाएगी, ठीक है, शिमला में इसको सेटअप किया जाएगा, कांगड़ा में इसको प्राइवेट सेक्टर में सेटअप किया जाएगा, ठीक है, और एक वन बायो फ्लॉक फिश फार्मिंग यूनिट जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में इसको डेवलप किया जाएगा, ठीक है। तो फिर बात करते हैं पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट की। तो पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट के अभी अभी अगर आप देखें तो PRIs यानी इनके जो इलेक्शन थे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के, ये अभी अभी हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, और उसमें 120 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिन्होंने अनअपोज्ड अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना है, और इसमें ग्रांट्स के तौर पर, रिवार्ड के तौर पर जो गवर्नमेंट है उनको 10 लाख रुपीज़ एक हरेक जो हमारे पास ग्राम सभा है या ग्राम पंचायत है उसको दिए जाएंगे। जो टोटल अभी तक हमारे पास ग्राम पंचायत है हिमाचल प्रदेश में, तो उसकी संख्या टोटल है 3615, सॉरी माफ कीजिएगा, 3615 टोटल हमारे पास आती है पंचायत, राइट। सो उसके बाद इस बार जो 15th फाइनेंस कमीशन है इसकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग टोटल जो बजटरी एलोकेशन है ये बताया गया है कि हमें कितना मिलना चाहिए, 248 करोड़ रुपीज़ का। सो एक डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर बनाए जाएंगे कांगड़ा में, हमीरपुर में, सोलन में, मंडी में, बिलासपुर में, जो कि बेसिकली जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स को। अब अगर आप इसके साथ में देखें तो हमारे पास बेसिकली 250 वुमेन जो है उनको ऑथराइज किया जाएगा बैंक्स के द्वारा, जो कि बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट्स के तौर पे काम करेंगी, जिनको सखीज कहा जाएगा, जो कि गांव-गांव में जाकर के बैंकिंग फैसिलिटीज को प्रमोट भी करेंगी रिमोट एरियाज में, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि एक एनहांसमेंट किया जाएगा ऑनरेरियम के तौर पे, पंचायत के चौकीदार हैं या सिलाई अध्यापिकाज हैं 300 रुपीज़ पर मंथ के तौर पर। अब बात करते हैं एजुकेशन की। तो सेंट्रल लेवल पे एक नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022। हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने भी इस पॉलिसी को वेलकम किया है, ठीक है, और स्वर्ण जयंती सुपर 100 स्कीम के थ्रू जो बजट पहले दिया गया था उसमें अगर आप देखें तो कोचिंग सेंटर्स में जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स थे, ठीक है, उसके लिए ताकि वो किसी और इंस्टीट्यूशंस में जाके एडमिशन ले सकें, ठीक है। तो एडमिशन लेने के साथ में आप देखें कि मेधा प्रोत्साहन योजना भी एक चलाई गई थी जिसमें फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, ताकि वो आगे फर्दर आगे पढ़ने के लिए कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग लेना चाहता है तो उसके लिए वो गवर्नमेंट जो है उसको फाइनेंशियल हेल्प करेगी, उसको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी एजुकेशन सेक्टर की ही डेवलपमेंट के लिए। सो एक और इसमें योजना चलाई गई है, देखते हैं, श्रीनिवास रामानुजन स्कीम, जिसमें मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को लैपटॉप्स दिए जाते थे। अब इसमें गवर्नमेंट जो है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है, तो उसमें लैपटॉप्स के जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको देखा जा रहा है कि ऐसे कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं जिस तौर पे अब लैपटॉप की वो जगह दिए जा सकते हैं, ठीक है, जैसे टैबलेट वगैरह हो गए, है ना। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें अब चल रही हैं मार्केट में जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, तो हो सकता है गवर्नमेंट क्या है इसमें कोशिश कर रही है कि उनको बदल दिया जा सके। सो इसके साथ में गवर्नमेंट जो है वो मिड डे मील प्रोग्राम जो स्कूलों में स्टार्ट किया है, बेसिकली जो मेल न्यूट्रिशन जो चाइल्ड जो हो जाता है बच्चों को स्कूलों में हो जाता है, ठीक है, या उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती, तो इसको भी कम करने के लिए ताकि उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो साथ साथ उनका मेंटल डेवलपमेंट भी हो, तो वहाँ पे मिड डे मील स्कीम जो है वो स्टार्ट की गई है। अब वहाँ पे जो लोग खाना बनाते हैं उनके लिए गवर्नमेंट जो है वो हाइजीन किट्स जो है वो प्रोवाइड करेगी।
सो फिर आता है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सेक्टर। इसमें आप देखें तो गवर्नमेंट टोटल जो है वो 3,016 करोड़ रुपीस का इसमें जो बजट एलोकेशन किया गया है। सबसे पहले तो पेट स्कैन की जो मशीन है उसको IGMC हॉस्पिटल में लगाया जाएगा, ताकि जो ऐसे मरीज हैं जिनको इलाज के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता है या दिल्ली जाना पड़ता है, वो कम से कम शिमला में ही अपना पेट स्कैन वगैरह जो है, जो बहुत कॉस्टली होता है, यहाँ पर करवा सकते हैं। इसी तरह से जो MRI करवाया जाता है, तो इसके लिए जो टांडा मेडिकल कॉलेज है, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज है, नाहन मेडिकल कॉलेज है, तो यहाँ पर भी जो है इसके लिए 70 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू दिए गए हैं, ताकि यहाँ पर इन मशीनों को लगाया जा सके, ताकि लोगों को कम दरों के ऊपर वो यहाँ पर अपना MRI या टेस्ट जो है वो करवा सके। सो एक हिमाचल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रही है चमियारा नियर शिमला में, ये जल्दी ही जो है वो तैयार होने वाला है। सो ऐसे ही जो हिम केयर योजना हिमाचल गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी, इसमें बेसिकली जो लोग छूट गए थे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में, तो इनको जो है वो कवर किया जाएगा हिम केयर योजना में। तो इसमें गवर्नमेंट ने जो 70 साल से ऊपर जो हमारे बुजुर्ग हैं या फिर जो ऑर्फन चिल्ड्रन हैं, तो उनको बेसिकली जो बाल आश्रम में रहते हैं उनको भी ये कवर दिया जा रहा है विदाउट एनी कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी उनके लिए उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा और वो डायरेक्टली कवर कर दिए जाएंगे हिम केयर योजना में। ठीक है, सो स्टेट गवर्नमेंट ने 250 करोड़ रुपीस और अलॉट किए हैं आयुष्मान भारत, हिम केयर योजना, मुख्यमंत्री चिकित्सक सहायता कोष के लिए या फ्री मेडिसिन के लिए सहारा योजना। ये बड़ी ज़बरदस्त योजना है, अगर किसी को कोई डिसेबिलिटी हो जाती है, कोई बेड पे है, कोई अपना ध्यान नहीं रख सकता, तो गवर्नमेंट की तरफ से 3,000 रुपीज़ जो हैं वो उस पर्सन को दिए जाएंगे उसकी हेल्प के लिए। ठीक है, सो ऐसी डीलिंग विद ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम कई बार हो जाती है, तो इसके लिए अगर इसका डिटेक्शन अच्छी तरह हो जाए तो इसके लिए एक मिशन दृष्टि चलाया गया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के थ्रू। सो इस मिशन में अगर आप देखें तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर क्लास 6 से लेके जो 10 तक की क्लास है वहाँ फ्री आई चेकअप्स जो हैं वो लगाए जाएंगे, और अगर किसी भी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम होती है तो वहाँ पे फ्री उसको स्पेक्टिकल्स दी जाएंगी। ठीक है, तो ये प्रोविजन भी उसमें डाला गया है। इसी के साथ जो निमोनिया है, तो निमोनिया में अगर आप देखें तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जन्म लेते ही 5 साल तक की जो आयु होती है उसमें उनका मॉर्टेलिटी रेट काफ़ी हाई है, जिस वजह से वो निमोनिया का शिकार उसमें वो ज़्यादा देखा जाता है कि निमोनिया के कारण ज़्यादा डेथ होती है। तो इसमें ये किया जाएगा कि हमारे जो यूनिवर्सल प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोग्राम है उसके थ्रू, जो एक पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू मंडी और चंबा डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट फेज में इसको एक्सपैंड किया जाएगा, जिसमें ऑक्सीमीटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, जिससे इस प्रॉब्लम को चेक किया जा सके। सो पोषण पुनर्वास केंद्र जो है वो स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में बनाए जाएंगे, जहाँ पे चाइल्ड मेलन्यूट्रिशन की जो कमी है उसको कम किया जा सके। ठीक है, उसके लिए जो है वो बताया जा सके कि कैसे इनको कम किया जा सकता है। सो फिर आता है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड दी फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो हिमाचल प्रदेश में काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट भी, और इसके साथ में हिमाचल प्रदेश का बहुत बड़ा रिसोर्स भी है। ठीक है, सो अभी जो हमारे पास फॉरेस्ट्री कवर है वो है 27.72% का, तो हिमाचल प्रदेश इसको ग्रो करके 30% बढ़ाना चाहती है 2030 से पहले पहले, तो ये हमारा एक सस्टेनेबल गोल भी है। तो इसके साथ में हिमाचल प्रदेश जो कि इकोलॉजिकली और एनवायरमेंटली बड़ी साउंड स्टेट है, तो उसको बचाने के लिए भी ये किया जा रहा है। तो नई प्लांटेशन जो है वो 14,000 हेक्टेयर्स में लगाई जाएगी, इसको इतना बढ़ाया जाएगा। वाटर स्टोरेज की फैसिलिटीज़ बनाई जाएंगी, जो पेरिनियल स्ट्रीम्स हैं वहाँ पे चेक डैम्स बनाए जाएंगे ताकि पानी को रोका जा सके, और फॉरेस्ट में जो है वो मॉइस्चर कंटेंट जो है उसको रोका जा सके, ताकि वहाँ पे जो है वो वेजिटेशन की ग्रोथ परमानेंट हो सके। ठीक है, सो एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर आप देखें तो एक सेंटर बनाया जा रहा है, साइंस एंड लर्निंग एंड क्रिएटिविटी सेंटर, जो कि शोघी जो कि शिमला के पास है, वहाँ पे 10 करोड़ रुपीस का बनाया जा रहा है। इसके अलावा एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें जो क्लाइमेट चेंज के बारे में जो अडेप्टेशन होंगी, ठीक है, या पॉलिसी इनिशिएटिव होंगे, या मिटिगेशन के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसका कोलेबोरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में किया जाएगा।
फिर आता है अर्बन डेवलपमेंट। तो अर्बन डेवलपमेंट में हिमाचल प्रदेश ने अभी 3 नई कॉरपोरेशंस बनाई हैं, जिसमें मंडी, सोलन और पालमपुर को नई बनाया गया है, और एक म्यूनिसिपल कौंसिल भी बनाई गई है जो कि सरकाघाट है, ठीक है। इसके साथ में 7 न्यू नगर पंचायत्स बनाई गई हैं, जिसमें शाहपुर आता है, अम्ब आता है, अनी आता है, निरमंड, चिरगांव, नेरवा एंड कंडाघाट, ठीक है। तो ये भी नोटिफाइड जो है वो बहुत जल्दी कर दी गई है, और यहाँ पर भी अर्बनाइजेशन जो है वो धीरे धीरे, अब इसका जो बढ़ता प्रभाव है अर्बनाइजेशन जैसे जैसे हो रहा है उसको देखते हुए इन शहरों को एक्सपेंड किया जा रहा है, ठीक है। नाम जरूर याद रखिएगा, हो सकता है एग्ज़ाम में पूछें। तो इसके साथ में जो ये मंडी, सोलन और पालमपुर है, यहाँ पर इनको म्यूनिसिपल काउंसिल से अपग्रेड करके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया गया है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाते ही जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1-1 करोड़ रुपए इनको दिया जाएगा, ठीक है। और जो नई नगर पंचायत बनी है उसके लिए 20 लाख रुपीज़ इनके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए गए हैं। और 15th फाइनेंस कमीशन का कहना है कि जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं और कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं उनको इस बार ग्रांट जो है 161 करोड़ रुपीज़ की दी जाए। फिर आता है रेवेन्यू एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो रेवेन्यू एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट में अगर आप देखें तो एक नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाया जा रहा है, जिस सिस्टम में घर बैठे ही लोग जो हैं वो फीस भी दे सकते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, जो लैंड रिलेटेड जो मामले होते हैं या जो ई स्टैम्प्स वगैरह लेनी होती है वो डायरेक्टली वहाँ से ली जा सकती हैं, या डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जा करके पहले ऑफिस में करने पड़ते थे, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफिस में जा करके, अब डायरेक्टली जो है आप घर बैठे वहाँ पे कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट इसके साथ में जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए भी काफ़ी काम कर रही है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी क्षेत्र होने के साथ में यहाँ पे लैंडस्लाइड्स, अर्थक्विक्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है, या फ्लड्स भी कई बार आ जाते हैं। तो इसमें हमें एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी चाहिए इसको लड़ने के लिए, क्योंकि नुकसान बहुत ज़्यादा होता है कहीं ना कहीं। तो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी जो है वो एक प्रोजेक्ट जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है हिमाचल प्रदेश में डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, जिसके 800 करोड़ रुपीज़ को उसमें प्रावधान जो है वो किया गया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश 8 स्टेट्स में सेलेक्टेड है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के थ्रू, जिसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो फंड करेगा नेशनल अर्थक्विक रिस्क रिडक्शन प्रोजेक्ट के तौर पे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी जो एरिया है वो हिमालयाज का है, और हिमालयाज आप देखें वो टेक्टोनिकली स्टेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पर अर्थक्विक जैसी एक्टिविटीज़ ज़्यादा देखी गई हैं। फिर आता है इंडस्ट्रीज़ एंड द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो इंडस्ट्रीज़ में एक बल्क ड्रग पार्क जो है वो बनाया जाएगा ऊना डिस्ट्रिक्ट में, और मेडिकल डिवाइसेस पार्क नालागढ़ डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, ठीक है। प्लास्टिक पार्क की दिख संभावना देखी जा रही है, जो नालागढ़ में इसके लिए लैंड आइडेंटिफाई कर दी गई है, बहुत जल्दी इसकी जो है वो फॉर्मेलिटीज़ करके गवर्नमेंट यहाँ पे प्लास्टिक पार्क शुरू करने जा रही है, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को यहाँ पर रोज़गार जो है वो मिलने वाला है। सो इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश ने, आपने देखा होगा कि यहाँ पर हमने ग्लोबल इन्वेस्टर मीट भी की थी धर्मशाला में, तो उसके बाद जो है एक और ऑर्गेनाइज करने की बात अभी चल रही है, जिसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। और इसके साथ में अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश में स्टेट हैंडीक्राफ्ट को लेकर के या हैंडलूम कॉरपोरेशन को लेकर के इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए हेल्प ली जाएगी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कांगड़ा की। सो नेक्स्ट बात करते हैं टूरिज्म। टूरिज्म तो हिमाचल प्रदेश का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का लाइवलीहुड जो है वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ही लाहौल स्पीति में डेवलप किया जाएगा इको टूरिज्म डेस्टिनेशन, क्योंकि अभी आप देखें कि जो अटल टनल बनी है उसके थ्रू लाहौल स्पीति जो है जो पूरी तरह से पर्यटकों के लिए 12 महीने के लिए खुल चुका है। तो यहाँ पर बेसिकली कुछ सेक्टर्स को आइडेंटिफाई भी किया गया है, और वहाँ पे प्लानिंग करते हुए वहाँ पर जो है वो नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। और इसके साथ में टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर और आर्ट, कल्चर एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स सेंटर शिशु में बनाया जाएगा मनाली के पास, और बे साइड अमेनिटीज़ रोड के साइड में, चाहे वो उदयपुर हो, जिस्पा हो, काजा हो, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, ठीक है, टॉयलेट फैसिलिटीज़ हो जाती हैं, ठीक है, या होटल इंडस्ट्री है तो उसको बे साइड अमेनिटीज़ बोलते हैं, या पार्क्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, तो वो डेवलप की जाएंगी। और इसके साथ में लाहौल स्पीति में नई स्की के लिए कई साइट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई भी किए जाएंगे, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश ने एक नई स्कीम लाई है, नई मंजिलें नई राहें, ठीक
ठीक है, नई मंजिलें नई राहें स्कीम जो है उसके लिए पिछले बजट में 50 करोड़ रुपीज़ को उसमें डायरेक्टली उसमें रखा था, ठीक है। और इसके साथ में अगर आप देखें तो शिव धाम जो है वो सेटअप किया जा रहा है नियर मंडी टाउन, ठीक है, डेवलपमेंट के लिए। फिर आता है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट जो है वो 7,000 पीपल को प्रोवाइड की जाएगी प्राइवेट सेक्टर में थ्रू रोजगार मेला। तो हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर रोजगार मेला और कैंपस इंटरव्यूज जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अगर आप देखें तो बल्क ऑफ जो ट्रांसपोर्ट है वो हमारा रोड के थ्रू या बस के थ्रू ही होता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। रेलवेज का भी उतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, अभी नैरो गेज रेलवे है, ठीक है, बहुत कम ही ब्रॉड गेज रेलवे है एस्टेब्लिश्ड। तो अगर आप देखें तो ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक्स जो हैं वो बनाए जाएंगे मॉडर्न फैसिलिटीज़ में बिलासपुर सोलन और मंडी और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, ताकि जो है वो ड्राइविंग में क्वालिटी लाई जा सके ड्राइवर्स के लिए और रिड्यूस किया जा सके ह्यूमन इंटरवेंशंस को। तो वैसे ही स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लाई जा रही है, परिवहन इसका नाम दिया गया है, ठीक है, जिसमें बेसिकली जो 18 सीटर व्हीकल्स हैं, ठीक है, तो रोजगार जो हमारे पास जिन लोगों के पास रोजगार नहीं ऐसे लड़कों के पास, तो वो क्या कर सकते हैं, जो मोटरेबल रूट्स दिए जाएंगे गवर्नमेंट के थ्रू जिसमें वो ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ पे अभी भी किसी भी तरह का वहाँ पे जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो नहीं चलता, ठीक है। तो ये बेसिकली उनको दिया जाएगा, रूट्स उनको दिए जाएंगे। सो ऐसी 200 नई बसें खरीदी जाएंगी जो इलेक्ट्रिकल बसें होंगी जो रिप्लेस करेंगी ओल्ड बसेस को, ताकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको भी रोका जा सके, ठीक है। सो फिर आता है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शंस एंड सोशल सिक्योरिटी पेंशन। तो इसमें बेसिकली जो यंग गर्ल्स हैं जो कि हमारी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं बीपीएल फैमिलीज से हैं, तो उनको 31,000 रुपीज़ का, ठीक है, उनको ग्रांट दी जाएगी मैरिजेस के लिए। लेकिन अभी अभी गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि सभी जो हमारी जनरल कैटेगरी या सारी हैं कोई भी गर्ल्स हैं, ठीक है, अगर वो इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर उसमें कुछ क्राइटेरिया है तो उसके लिए 31,000 रुपीज़ की गवर्नमेंट की तरफ से सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। तो स्वर्ण जयंती नारी संभाल योजना ये एक चलाई गई है जिसमें सोशल सिक्योरिटी जो है वो दिया जाएगा जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, ठीक है, जिनकी 65 और 69 के बीच में है, ठीक है, इस ग्रुप में है, तो इनको इनकम क्राइटेरिया के तौर पे 1,000 पर मंथ के तौर पे इनको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसी के साथ में आदर्श वरिष्ठ नागरिक होम मशोबरा में बनाया जाएगा, इसमें डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, सीनियर सिटीजन्स के लिए, ताकि वो दें और वहाँ पे वो पैसे भी दें और उसमें वो रह भी सकते हैं, ठीक है। सो अगर आप देखें तो ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए हिमाचल प्रदेश का जो ट्राइबल एरिया में अगर आप देखें तो काजा में इंडोर स्टेडियम डेवलप किया जा रहा है, इसके साथ में एक हाई एल्टीट्यूड माउंटेन ट्रेनिंग सेंटर वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए वाटर सप्लाई के लिए वहाँ पे एंटी फ्रीज सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है केलोंग में, ठीक है, ताकि लोकल लाइफ जो है और इसके साथ में वहाँ पे जो टूरिज्म जो बूस्ट हुआ है अटल टनल के थ्रू उसको एक्सट्रीम विंटर्स में वहाँ पे उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। और जो 50th स्टेटहुड ईयर हमारा अभी हुआ है, ठीक है, जो गोल्डन जुबली हम मना रहे हैं स्वर्ण जयंती मना रहे हैं, उसमें नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाएगा लाहौल स्पीति वैली में अगस्त 2021 में, ठीक है। सो ये हम थी समरी हिमाचल प्रदेश के बजट की। तो इसके साथ में अगर आप देखें तो ये बहुत सारे और भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जा रही है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ के जो एयरपोर्ट्स हैं उनको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, कांगड़ा के एयरपोर्ट की एक्सपेंशन की बात चली है, भुंतर के एक्सपेंशन की बात चली है, एक नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, ठीक है, जो कि बल वैली नियर सुंदरनगर इन हिमाचल प्रदेश, ये एक नया एयरपोर्ट जो है यहाँ पर इसको डेवलपमेंट जो है इसकी की जा रही है। सो इसके अलावा रोड डेवलपमेंट्स के लिए बहुत सारे जो 4 लेनिंग के प्रोजेक्ट्स हैं वो चलाए जा रहे हैं, ठीक है। सो अगर कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो हिमाचल में जो टूरिज्म सेक्टर है इसको बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, अगर इसको बूस्ट मिलता है तो हिमाचल प्रदेश की इकॉनमी जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, तो बाकी लेक्चर्स को आप देख सकते हैं सीरीज़ को जो ऑलरेडी आपको द्रोणाचार्य के यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड मिल जाएगी, ठीक है। उसमें मैंने हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे की पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके पार्ट 5 तक आपको टोटल इकोनॉमिक सर्वे जो है वो कवर किया गया, आप उसको देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए एग्जाम के लिए होगा। तो थैंक यू।